हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक अल्कोहलिंग वॉल क्लॉथ। ओके, सो इट इज़ बिगिनर्स फ्रेंडली, एनीवन कैन मेक। सबसे पहले हम एक्रेलिक शीट को पील ऑफ कर लेंगे, ठीक है। एक्रेलिक शीट को नहीं, सॉरी, जो इस पे पॉलीथीन लगी है जो कि हमारे यूज़ की नहीं है, उसको हम पील ऑफ करेंगे। इसके बाद मैंने लिए पिंक अल्कोहलिंग एंड पर्पल अल्कोहलिंग, ये दोनों ही मैंने दित्या अल्कोहलिंग कंपनी से लिया है और ये अल्कोहल ब्लेंडिंग सॉल्यूशन इज़ फ्रॉम जैक्स कंपनी। ओके, सो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने पर्पल कलर को लिया है यहाँ पे, और पर्पल कलर को पहले ड्रॉप्स कर रही हूँ। इसके बाद सेम वही प्रोसीजर जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में फॉलो अप किए, वही हमें प्रोसीजर सेम यहाँ पे फॉलो करना विद द हेल्प ऑफ ड्रायर और यू कैन यूज ड्रॉप। अब मैंने इस पर अल्कोहल ब्लेंडिंग सॉल्यूशन डाला है, इसके बाद मैं इसको ड्रायर की हेल्प से ब्लो करूँगी। सो इससे एक ब्यूटिफुल टेक्स्चर आ जाएगा। हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों को टेक्स्चर और डिफरेंट चाहिए तो आप ड्रायर का डायरेक्शन को उसी वे में मूव करिएगा तो आपके टेक्स्चर्स थोड़े से अलग आएंगे। आप जैसे ही मूव करोगे ड्रायर को दूसरे डायरेक्शन में, आपके टेक्स्चर उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो मैंने इस क्लॉक के साथ ऐसा सोच रखा है कि पर्पल एंड पिंक का कॉम्बिनेशन लूँगी जो कि एनालॉग है, ठीक है। तो पर्पल एंड पिंक का कॉम्बिनेशन मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कलर स्कीम पे मैं स्टिक हूँ, मुझे सारे ही कलर्स अच्छे लगते हैं। आप भी आपके चॉइस के कोई से भी कलर्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। मेक श्योर कि आपने उसका अच्छा कॉम्बिनेशन लिया है। टू वाइब्रेंट कलर कभी भी मत लेना, या अगर ले रहे हो तो उसको फिर उसी तरह से ब्लेंड करिएगा अल्कोहलिंग की हेल्प से, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो भी कलर ले रहे हैं वो आपके क्लॉक के अकॉर्डिंग, आपके क्लॉक डायल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सेम इसको ड्रायर की हेल्प से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियोस में भी मेरी बताया है कि मैंने ड्रायर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड किया है, और अल्कोहल इंक सॉल्यूशन की हेल्प से, और किसी भी टूल का मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। सो मतलब ड्रायर को हर किसी को यूज़ करना आता है, जैसे आप हेयर ड्राई करते हैं सेम उसी वे में आपको इस पर करना है। तो मैंने अभी लिया है पिंक कलर, ठीक है। आई डोंट नो वाई ये पिंक कलर थोड़ा सा, मतलब हो सकता है मैंने जब इसकी रैपर पील किया था तो उसके कारण ये वाला टेक्सचर आ रहा है, बट मैं इसको और इंक और ब्लेंडिंग सॉल्यूशन डाल के इवन करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको इसका फाइनल लुक देखने को मिले, ठीक है। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ और इंस्टाग्राम पे सभी क्योरीज और डाउट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आपको, मतलब कहीं पे भी ऐसा लगे कि नहीं हमें नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कलर स्कीम, आप जो भी आपको पसंद आप ले सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वॉट एवर योर चॉइसेस। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में किसी क्लॉक में येलो कलर ले रखा है, किसी में रेड, किसी में ग्रीन, सो वॉट चारों ही मैंने अलग अलग स्टाइल से बनाई है, तो आप चारों ही जाके देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में। ऑल्सो मैंने इसमें बर्निंग टेक्निक्स का भी बताया है। बहुत लोगों के डाउट आते हैं कि क्या हम लोग इसको बर्न कर सकते, तो जी हाँ, आप इसको बर्न कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि मैंने जैसे करा था तो मैंने कोस्टर्स पे करा था। आप लोग क्लॉक पे करो तो बड़ी सरफेस है, तो आपको ध्यान उतना ही रखना है, ठीक है, प्रिकॉशंस लेना है। वैसे तो मैं बोलूँगी कि क्लॉक पे जितना हो सके नहीं ट्राई करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रायर और इसकी हेल्प से ही करिएगा। सो ये है हमारा फाइनल लुक।